और अब चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। यूपी में बीजेपी के भीतर इस वक्त की एक बड़ी हलचल चल रही है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने सब कुछ झोंक दिया है। इसके लिए अपने सरकारी आवास पर 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतने पर जोर दिया गया। इस पर भी जोर दिया गया कि टिकट देने में किसी की सिफारिश को तवज्जो ना दी जाए। यहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां के जातीय समीकरण को लेकर भी बातचीत हुई। चुनावी इलाके में पीडीए के असर को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बड़ी बात यह है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसमें मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की संभावना पर भी बात हुई है। तो हम बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मंथन का दौर जारी है और योगी आदित्यनाथ लगातार इसमें एक्शन मोड में आपको नजर आएंगे। अपने सरकारी आवास पर 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है, क्योंकि एक सीट पर 3 प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और इसको लेकर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी सावधानी बरतने पर चर्चा हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। और अंदर की खबर क्या है, मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे और वो बताएंगे कि अंदर खाने क्या चल रहा है। अभिषेक उपाध्याय और संजय त्रिपाठी आपको दोनों देख रहे हैं। संजय त्रिपाठी के बाद सबसे पहले चलते हैं। संजय, मीटिंग में और क्या क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मीटिंग में सबसे ज़्यादा जोर इस बात का रहा कि जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उन दसों की दसों सीटों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। इसके लिए जो मंत्रियों का समूह बनाया गया था उनकी ग्रुप वाइज मीटिंग की है मुख्यमंत्री ने, और ये पूछा कि आप जिस जिस विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं वहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का स्थानीय समीकरण क्या है, क्या वहाँ ऐसे कोई विकास कार्य हैं जिनको कराना लंबित रह गया है, उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, इस बात को लेकर भी बात हुई है। इसके अलावा और कई विषय हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ जो मुस्लिम बहुल हैं तो उनमें क्या मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। इसके अलावा विपक्ष को लेकर गंभीर चर्चा हुई। हम आपको दिखा रहे हैं उसी मीटिंग की तस्वीर, दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और प्रभारी मंत्रियों के साथ जब वो बैठक करके इन सभी बातों पर चर्चा कर रहे थे उसकी तस्वीरें आ गई हैं। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस बैठक की जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा की जा रही है और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई कि आखिर किनको उतारा जाए, जिताऊ कैंडिडेट्स को उतारा जाए। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस मीटिंग की, उस बैठक की जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। करीब 30 प्रभारी मंत्री इसमें पहुंचे हुए थे और इस पूरी मीटिंग में इस बात पर लेकर चर्चा की गई कि आखिरकार कौन से जिताऊ कैंडिडेट हैं उतारे जाए, उस इलाके का जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि जातीय समीकरण भी प्रभावित करता है चुनाव को, तो कौन से कैंडिडेट्स उतारे जाने चाहिए, जिताऊ कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, उनका फीडबैक कैसा है, किसको टिकट दिया जाए, किसी की सिफारिश पर टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, उस इस मीटिंग में उन्हीं सब पर जो है लेकर चर्चा हुई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संजय, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आ गई थी उसी मीटिंग की तो वही हम दिखाने लग गए थे। संजय, ओवर टू यू। कोई नहीं विवेक, महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री ने यह भी कही है कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उनको प्रत्येक सप्ताह में 2 रातों के लिए रात्रि विश्राम संबंधित विधानसभा क्षेत्र में करना होगा। ये तब तक करना होगा जब तक इन विधानसभा चुनावों में चुनाव समाप्त नहीं हो जाता। तो मतलब तैयारी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह की हुई है कि हर विधानसभा में जो प्रभारी मंत्री है वो 2 रात रुकेगा और रुक करके वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनसे मिलेगा, उनसे सारी चीज़ें समझेगा, उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करेगा। तो लगातार मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक निर्देश दिए हैं और अब ये तय हुआ है कि जो 10 सीट के अलग अलग ग्रुप हैं मंत्रियों के, ये जाएंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करेंगे। लक्ष्य यही है कि हर हाल में 10 की 10 सीट को उसी प्रकार जीता जाए जैसे रामपुर और आजमगढ़ की सीटों को जीता गया था। बाई इलेक्शन है, सरकार के प्रभाव का चुनाव होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, तो तैयारियां उसी तरीके से करनी है। या विपक्ष को लेकर भी बात हुई कि विपक्ष जिस तरह से आरक्षण को लेकर के भ्रम फैला रहा था, विपक्ष ने जिस तरह संविधान खत्म करने की बात की, तो इन विषयों का काउंटर कैसे किया जाना है इसके लिए बकायदे बैठक में चर्चा हुई है, इसके लिए बकायदे ट्रेनिंग भी होगी और उन वो सारी चीज़ें निकाल के लाइव।
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। अभिषेक आप रहिएगा मेरे साथ, लेकिन एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं दर्शकों को। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कटेहरी सीट का प्रभारी बनाया गया है। सीएम योगी के साथ मीटिंग के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, उपचुनाव में बीजेपी 10 की 10 सीट जीतेगी। स्वतंत्र देव सिंह उनका ये जो दावा है वो हम आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बैठक से बाहर निकले, क्या चर्चा हुई स्वतंत्र देव जी? हमेशा कैबिनेट मंत्रियों के मंत्रियों की अपनी बैठक होती, विकास की योजनाएं हैं, विभाग की योजनाएं हैं, बाढ़ है, और ये सभी की चर्चा होती है। उसमें चुनाव की भी चर्चा, जो विधानसभा है उसकी भी चर्चा हुई है, तो यानी सभी बिंदुओं पर चर्चा होती है। और सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है। स्वतंत्र देव जी रणनीति बनी है आगामी 10 बाई इलेक्शन को लेकर के विधानसभा, वो दसों की दसों जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने बाढ़ की समस्या से लेकर बाकी बिंदुओं पर, संगठन की तरफ से कौन रहा? मंत्रिमंडल की बैठक थी, मंत्रियों की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की बैठक। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई? उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। तो बहुत जोरों पर चर्चा हो रही है, बहुत जोरों पर मीटिंग भी चल रही है, और सारी चीजें बिल्कुल ही बारीकी से देखी जा रही हैं कि आखिरकार जो गलती पिछले चुनावों में हो गई थी और उसका खामियाजा सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पूरे बीजेपी को भुगतना पड़ा था, वो गलती अब ना हो। अभिषेक उपाध्याय। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात यही है, और बड़ी बात ये भी है कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि, ध्यान देने वाली पृष्ठभूमि ये है कि संगठन और सरकार के बीच में टकराव साफ तौर पे दिख रहा है, और इसी का असर पड़ा है लोकसभा में जो अभी नतीजे आए हैं। इसका असर आगे ना पड़े, इसको कैसे रोका जाए, और ये जो संजय ने एक बात पर इशारा किया वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन से कोई नहीं था, योगी आदित्यनाथ ही पूरे इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन जो जिन मंत्रियों को उन्होंने टास्क दिया है वो कितना संगठन की को साथ ले सकेंगे, कितना कार्यकर्ताओं को जोड़ सकेंगे, और जो शिकायतें थीं, जो कार्यकर्ता निरुत्साहित हो गया था, जिसने की पार्टी के लिए जम के काम करना, दिल से काम करना छोड़ दिया था, क्या उसको फिर से जोड़ पाएंगे क्या? क्योंकि देखिए, रणनीति तैयार कर लेना, कागजी कार्रवाई कर लेना, डिप्लॉयमेंट कर देना, ये एक चीज़ होती है, लेकिन जब तक आपका कार्यकर्ता नहीं जुटता है, जब तक कि आपके पन्ना प्रमुख नहीं जुटते हैं, जब तक कि आप पन्ने पर जो वोटर होते हैं उनको लेकर के नहीं आते, तब तक कुछ नहीं होता, जो बीजेपी के साथ इस बार हुआ, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाएगा, और ये मैसेज कैसे जाएगा कि सरकार की कार्यप्रणाली में जो अप्रोच है उसमें बदलाव आया है, ये अप्रोच भी नीचे तक ले जाना है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है विवेक। लेकिन अभिषेक, इसमें एक बात पर और चर्चा की जा रही है कि किसी की सिफारिश पर टिकट नहीं दिया जाएगा। अब मैं इस पर खुल के आपसे कमेंट चाहता हूं, आप रहते हैं, यूपी की राजनीति भी देखते हैं, अक्सर वहां पर जाके ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, नेताओं से आपके संबंध हैं, कौन लोग हैं जो सिफारिश करते हैं? क्या जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सिफारिश करके भेजते हैं कि नहीं इनके संबंध हमसे अच्छे हैं, टिकट दे दीजिए, और अंत में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को? अभिषेक कोई अपडेट? मैं इस बीच में हमारे साथ में डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संयोग ये रहा कि आप बात कर रहे थे उसी समय डॉक्टर संजय निषाद उपलब्ध हो गए, यूपी के बहुत ही क्रांतिकारी नेता माने जाते हैं। डॉक्टर संजय निषाद, मुझे एक बात बताइए, जो बात लगातार कही जा रही है कार्यकर्ताओं की अनदेखी की, बात केशव मौर्य जी ने जो कहा कि संगठन बड़ा है सरकार छोटी है, डॉक्टर संजय निषाद का क्या मानना है इस पर? देखिए, उसके बारे में तो जिसने कहा है लिखा है उनसे पूछना चाहिए उसके बारे में, किन परिस्थितियों में क्या सोचकर उन्होंने लिखा है। बाकी तो हम लोग पॉलिटिकल टीचर हैं, हम तो लीडर हैं और पॉलिटिकल टीचर हैं। पहले मानते हैं कि कार्यकर्ताओं की बातचीत की सुनवाई ये सब होनी चाहिए, ये तो हर नए कार्यकर्ता, चूंकि लोकतंत्र में हमेशा भारत में जनसंख्या बढ़ती, नए संगठन, नए कार्यकर्ता बढ़ते हैं, तो कार्यकर्ता को पता चलना चाहिए डेमोक्रेसी क्या है, पार्टी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, तो को पता चलना चाहिए निश्चित रूप से, इसलिए बताया जाता है भाई लोकतंत्र में देश संविधान से कानून से चलता है। अभिन्न सहयोगी हैं, पूरा हो जाएगा ये, आप अभिन्न सहयोगी हैं, पर ये बताइए, एक मिनट आप अभिन्न सहयोगी हैं, ये जो सरकार
पूरा होना चाहिए क्योंकि मैं अधूरी नहीं छोड़ते, अधूरा नहीं, जनता पूरी जानकारी जानेगी तब ना, नहीं तो पता चलो झूठ वाले पूरा झूठ फैलाते रहेंगे, हमारी सही बात है। जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, देश संविधान और कानून से चलता, कानून सरकार लागू करती बनाती है और सरकार को पार्टी चलाती है, कोई भी पार्टी चलाए, और पार्टी को कार्यकर्ता चलाता, कार्यकर्ता विचारधारा को जनता तक ले जाता, इसी की वजह से तो आज उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए मोदी योगी को चुना है लोगों ने। तो सरकार को पार्टी चलाती है, आपने तो मंत्र दे ही दिया, बात करते कार्यकर्ता सरकार को पार्टी संगठन की शक्ति से तो कोई पार्टी नहीं खड़ी होती। आप पर क्या असर पड़ रहा है, आप सहयोगी हैं जो सरकार और संगठन में जो तलवारें खींच गई हैं अलग अलग, इस पर सहयोगियों पर क्या असर पड़ा है आपको, क्या आप भी कोशिश कर रहे हैं चीजें ठीक हों? हमारे हिसाब से तो कहीं संगठन और सरकार में कोई तलवार नहीं खींची है, सब मिलके है, तभी तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना हुआ है आज के दिन। इसमें इतनी सीटें हार गई बीजेपी, हार जीत एक अलग राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन जो हमने विकास किया है, खासकर मैं तो अपने मंत्रालय की बात करूं कि मत्स्य विभाग को सर्वोत्तम प्रदर्शन मतलब प्रोडक्शन में सर्वोत्तम लाया। किशोर जी से मिलने भी गए थे, आपकी तस्वीरें क्यों नहीं मिलेंगे, हम तो भाई सहयोगी दल हैं, वो हमारे पुराने हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, आज के दिन में उनका विभाग हमारे विभाग से रिलेटेड भी है, तो क्यों नहीं मिलेंगे उनसे, चूँकि उनके प्लेटफार्म पर उनका हर जगह वो है, क्या नाम है, नगर जो ब्लॉक है उसमें ट्रेनिंग सेंटर है और हमें मछुआरों के लिए ट्रेनिंग कराना है, तो उनसे मिलेंगे तभी तो हमें हर ब्लॉक पर। इस समय बहुत चर्चा में है, अभी दिल्ली में गए हैं, नड्डा जी से मिलकर के आए हैं, ये बात कही जा रही कि केशव जी कार्यकर्ताओं के दर्द को सामने रख रहे हैं। देखिए हमारे हिसाब से तो आज के दिन में बाकी बातें केशव जी से पूछना चाहिए, हमारी बातें हमसे पूछी जाए और हम बताएं आपसे कि आज के दिन में 10 सीटें प्राथमिकता हम लोगों की है कि 10 जो उपचुनाव है उसे जिसमें आपका हिस्सा कितना है। हमारे तो पहले से भी देखिए भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है अब तक का कि जो जिस पार्टी का होता है उस पार्टी को चुनाव लड़ती है, हम लोग अलग अलग नहीं, एनडीए मिलकर लड़ती है, सीटें लड़ रहे हैं 10 सीटें भाई कटहरी और मझवा निषाद पार्टी वहां सांसद हो गया इसलिए खाली है, कटहरी में हमने 11 सीटें हारी हुई ली थी पिछले बार 15 में, 9 सीटें जीत के दिखाया था और 2-3 सीटें ऐसी थी जो 2-4-5 हजार वोट से कम हारे थे। में 2 की डिमांड है आपकी? नहीं, 2 तो पहले से निषाद पार्टी लड़ी है, भारतीय जनता पार्टी छोड़ रखी, पहले भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को जो उनके हिस्से में होता है चुनाव लड़ाती है। कितने की डिमांड कर रहे हैं आज के दिन में? हमारी प्राथमिकता है कि 10 सीटें जिस तरीके से हमने आजमगढ़ जीता था और रामपुर जीता था उसी तरीके से आपको कितनी सीटें चाहिए 10 में से? ना हमारी सीटें जो पहले से मिली हुई हैं वही सीटें हम लड़ेंगे और पर भी हम लोग साथ रहेंगे। आश्वासन दिया गया कि सीटें दी जा रही हैं, उसका समय अलग आता, जब समय आता अभी समय नहीं आया, समय आता है तो बैठ के माननीय गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष मिलकर इस पर चर्चा। केशव जी से मिलने गए थे क्या, वो भी सीटों के लिए गए थे कि कुछ सीटें आपके हिस्से की मिले आपको? मिलना हमारी एक औपचारिकता है और मैंने बता दिया हम अपने समाज और अपने विभाग और जिस काम के लिए आए उस काम बुलडोजर एक्शन का बड़ा विरोध कर रहे थे। नहीं अभी देखो वो जौनपुर वाली बुढ़िया ही बैठी है, उसका घर एक ही महीने के अंदर गिरवा दिया, उनको लाइए यहाँ बुलाइए उनको, आइए यहाँ पर आइए, इनका घर गिरवा दिया। मैं इलेक्शन इलेक्शन के समय था, एक प्रधान को इन्होंने इन्होंने जांच लिख दिया और जांच में प्रधान दोषी पाया गया और उसके बाद प्रधान सपाई था उसने अधिकारियों को सेट किया और उसके बाद इनके खिलाफ लाए और इनके खिलाफ ही जो है और उसने सपाई प्रधान ने अधिकारियों को सेट किया और इनका घर गिरवा दिया। भाई गिर गया तभी तो आपका घर गिरा दिया गया है। हाँ साहब, आपने मंत्री जी से दर्द बयान किया अपना? हाँ हम दर्द बयान कर रहे हैं यहाँ पर। बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले कि से बोल नहीं पाऊना तब से वहाँ किरान लगा के खुदा गया। तो ये बताइए सरकार बीजेपी की सपाइयों के आधार पर कैसे काम हो? एक आध दो ऐसे इसीलिए तो एक दो प्रदेश में ज्यादातर मंत्री अच्छे हैं अधिकारी तभी तो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बना रहा, लेकिन 2-4 अधिकारी ऐसे ही हैं, मैंने आपको बता दूं जीता जागता हूँ ये बुलडोजर की शिकायत करनी है वो उसको कम से कम जो दोषी उसको है और जो प्रधान गिरवाया है वो खुद ही एकड़ भर कब्जा कर रखा है और उस पर बसा हुआ था, कम से कम न्याय तो सबको होना चाहिए, ये गरीब है तो 90 साल से इसका गिरा देंगे, वो प्रधान है और जो कब्जा किया रहेगा उसको छोड़ का नुकसान हुआ है क्या कुछ ना, हम तो मानेंगे कि जब इनका घर गिरेगा तो इनके रिश्तेदार काहे वोट देंगे, इनके नात रिश्तेदार अगल बगल क्यों देंगे, ऐसे बहुत केसेज होंगे। अच्छा, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वो तो फिर हट जाएंगे वोट देने से, वो तो सच्चाई है। और प्राइमरी टीचर
सब आप मुस्कुरा मुस्कुरा के बात करते हैं, इसका मतलब कुछ आपके सीने में है जो अभी सामने आए? तो यही कहूंगा कि इन अधिकारियों के चक्कर में मेरा निषाद समुदाय 70 साल से 1952 में एक अधिकारी ने हमारे जो है पिछड़ी मतलब अनुसूचित जाति की सूची मझवार गौंड तुरैया खरवार बिलार खरकुड़ी 7 नामों से थे, तो लेदरमैन और वासरमैन चूंकि वो अंग्रेजों के सेवादार थे उन्होंने तो ले लिया और निषाद लड़ते रहे, क्रिमिनल कार्ड से प्रभावित थे, ये 1952 में मुक्त हुए, लाभ नहीं मिल पाया। तीन अधिकारी घुमाते रहते, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश मांगा जब यहाँ ने घुमा दिया और दिशा निर्देश मांगा RGI से कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है डॉक्टर संजयन पत्री जी, इस पर मार्गदर्शन करो जल्दी तत्काल, तो पता चला RGI ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब ने जो कहा सही है, ये केवट मल्ला मझवार हैं, तो दिशा निर्देश तो उत्तर प्रदेश को देना चाहिए ना, और वो कहाँ पत्र भेज दिया RGI वहाँ भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय। क्यों कर रहे हैं अधिकारी ऐसे? कुछ ना कुछ होते हैं एक दो जिसके चिन्हित करके उन्होंने। आप कैबिनेट मंत्री हैं और आपका मेन मुद्दा आरक्षण ही था और आप ही का काम जो है अधिकारियों ने घुमा दिया, आज भी है और ऐसे लोग अब धीरे धीरे हो रहा है, कागज इकट्ठे किए, कम से कम अधिकारी ने लिखा तो कि केवट मल्ला मझवार है, 70 साल से हमारे समय में अधिकारी को लिखना पड़ा कि सही बात क्या है, पिछली सरकारों में तो फाइल ही गायब करा रखा आखिर किसके सहयोग? मुझे आखिर में और बता दीजिए डॉक्टर साहब, सुन लीजिए, सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर रिजर्वेशन तय हुआ था, मुकुल वासनी और शैलजा के जो मंत्री थे उनके उस समय फाइल गायब है, मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहा। बता दीजिए किसी तरह के बदलाव की जरूरत आपको यूपी में महसूस होती है क्या? उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, यही हम बदलाव की जरूरत महसूस होती है। कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने हर क्षेत्रों में। बस अब आप हर चीज को घुमा के बता रहे हैं, सही बात बताते हैं बस। ठीक है, तो डॉक्टर संजय निषाद हैं और इन्होंने बुलडोजर एक्शन में देखिए एग्जाम्पल दे दिया, ये महिला है इनको यहाँ पर ले और ये यहाँ पर शिकायत करने आई हैं और ये भी कह रहे हैं मैं इनके साथ ही मौजूद हूँ कि अधिकारियों ने घुमा दिया, इनका आरक्षण वाला इशू था, तो बहुत बच बस के बोल रहे हैं लेकिन फिर भी सब कुछ बोल दे रहे हैं। ये अभी इन्होंने ये भी बात बोली थी ना अभिषेक की कुछ अधिकारी अपने पेट में हाथी और साइकिल लेके बैठे हैं। हाँ, अधिकारी पेट में हाथी और साइकिल लेके बैठे हैं, अधिकारियों से पहले नाराज नजर आते हैं ये। ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिंदे ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने का ऐलान किया है। अब महाराष्ट्र में 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र सरकार देगी। युवा एक साल तक अप्रेंटिसशिप करेंगे, अप्रेंटिसशिप के दौरान सरकार युवाओं को पैसे देगी, अप्रेंटिसशिप के अनुभव के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। सीएम शिंदे ने कहा कि इस योजना से महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति तैयार होगी। एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सीएम शिंदे के ऐलान पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तंज कस दिया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव से पहले सरकार को सब याद आएंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि सीएम शिंदे सरकारी खजाने से वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे का चुनावी जुमला है और महाराष्ट्र के लोग इसमें फंसने वाले नहीं हैं। वो सुनाते हैं आपको संजय राउत का बयान। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री विविध योजनाएं घोषणा कर रही है। मदद की महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उसके पहले ही महाराष्ट्र सरकार विविध योजना की घोषणा कर रहे हैं। पहले लाडली बहन योजना घोषित की, फिर उसके बाद पंडरपुर में मुख्यमंत्री के जरिए लाडला भाई योजना ये घोषित की गई। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए UBT के नेता सांसद संजय राउत जी, उनसे बातचीत करके जान लेंगे कि उनकी क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया है। राउत साहब स्वागत है आपका ABP न्यूज में। जिस प्रकार से जिस गति से हम आगे जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए उसी गति से वेगवान गति से योजना भी यहाँ पे लाई जा रही है। देखिए चुनाव के समय, चुनाव से पहले चुनाव पूर्व बजट जो होता है चाहे केंद्र का हो या चाहे राज्य का हो, वो पूरा चुनावी प्रचार बजट होता है। जो भी पैसा दिया जाता है या उसका आवंटन होता है उस चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजनाएं जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, अब तक आपको लाडली बहन की कभी याद नहीं आ गई, चुनाव आ गया तो लाडली बहन लाडला भाऊ भाई ये होता रहता है। नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही उनके नीचे के लोग करते हैं,
पैसा स्टेट का होता है और ये एक जरिया होता है वोट खरीदने का सरकारी पैसे से अधिकृत तौर। यानी आप कह रहे हैं कि सरकारी तिजोरी से पैसे डालकर ये वोट खरीदने का तरीका है। लेकिन महाराष्ट्र में अब ये वोट खरीदने की मशीन बंद हो गई है। महाराष्ट्र के ऊपर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, अब कहाँ से लाएंगे पैसा? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। चुनाव को 2-4 महीना है, 2-4 महीने के बाद ये सब डामाडोल होने वाला है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देने की जरूरत है उसके बारे में आपके पास कोई योजना नहीं। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उस बारे में आपके पास रोजगार देने की योजना नहीं। महाराष्ट्र से बड़े बड़े उद्योग गुजरात में आप लेके जा रहे हो, उस बारे में हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के मुंह पर ताला लगा है। चुनावी योजना है, चुनावी जुमला है और कुछ नहीं। पर इससे आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र की तिजोरी पर परिणाम हो सकता है? देखिए, तिजोरी की चिंता किसको है महाराष्ट्र की? बस चुनाव की राजनीति है, चुनाव जीतना है और क्या है। तिजोरी बिजोरी की चिंता होती तो बहुत सी बात है, पूरा महाराष्ट्र लूट रहे। 50-50 करोड़ में विधायक और सांसद खरीदे जाते, कहां से आता है पैसा ये? तो लाडला भाई योजना पर संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया, कहा है कि सरकारी पैसे से वोट खरीदने की योजना है। आपको लिए चलते हैं बिहार, वहां से बड़ी अपडेट आ रही है। जीतन सहनी हत्याकांड में 4 संदिग्धों से पूछताछ के लिए पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। 2 दिन पहले जीतन सहनी की बहस हुई थी इनसे, 2 संदिग्धों की जीतन सहनी से बहस हुई थी, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों ने जीतन सहनी को सबक सिखाने की धमकी दी थी। जीतन सहनी वीआईपी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनके पिता हैं, उनकी हत्या हुई थी और अब लगातार पुलिस जांच कर रही है। एक एसआईटी का गठन किया गया, उसमें क्या है कि पूछताछ के लिए 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। 2 दिन पहले जीतन सहनी से इन लोगों की बहस हुई थी, जो 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए ना, इनमें से जो 2 संदिग्ध हैं इन्होंने कहा था कि तुमको सबक सिखाएंगे और उसी को लेकर पूछताछ करने के लिए इन्हें अब हिरासत में लिया गया है। अब चलिए अगली बड़ी खबर जानिए। जीतन सैनी हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। 10 जुलाई की इस फुटेज में हाथों में डंडा लिए कुछ लोग घर में घुसते दिख रहे हैं। इनके साथ आए दूसरे लोग हाथों में डंडा लिए घर के बाहर घूमते दिख रहे हैं। जो लोग घर के अंदर घुसे थे वो थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं। ये उसी सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर चल रही है। कुछ लोग हैं हाथ में डंडा लिए हुए आते हैं, उनमें से कुछ अंदर जाते हैं और कुछ बाहर उसकी पहरेदारी कर रहे होते हैं। तो लगातार जांच आगे बढ़ रही है, एक एक पहलू खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता थे ये जीतन सहनी। मुकेश सहनी मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में, और सोचिए उनके पिता को इस तरह से मार दिया जाना। तो एसआईटी का गठन हुआ है, वो लगातार जांच कर रही है और उसी सिलसिले में ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई आ गई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पुलिस की जांच पर संतोष जताया। सहनी ने कहा कि प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही पिता जीतन सहनी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार होंगे। ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं बिहार के, उन्होंने संतोष जताया है और ये कहा है कि जांच अच्छे से हो रही है, प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहा है, जल्द ही जीतन सहनी के जो हत्या के आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी हमारे साथ हैं। बहुत दुखद घटना है सर, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने आपके पिता की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या की है, उससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, हिरासत में लेकर संदिग्धों से पूछताछ जारी है, जो जांच चल रही है क्या आप उससे संतुष्ट? जिस हिसाब से प्रशासन की तरफ से कल से हम देख रहे हैं, टीवी मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं, ऐसे तो ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जितना भी देखें तो उस आधार पर दिख रहा है कि मतलब प्रशासन एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। और बाकी आज मुहर्रम है तो मुझे लगता है आज बाकी विशेष उसमें बिजी हैं, लेकिन कल तक मुझे लगता है कि सब चीज़ डिक्लेयर करेंगे प्रशासन। अभी तक तो कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, किसी पे शक है आपको, क्या राजनीतिक विवाद में हत्या हुई आपको क्या लग रहा है? नहीं, फिलहाल तो जब मुझसे ही राजनीति दृष्टिकोण से पूरे राज्य में किसी से विवाद नहीं, तो भला पिताजी का क्या हो सकता है? पिताजी अपने तरीके से रहते थे, अकेले रहते थे,
अपने हिसाब से जिंदगी जीते थे। पुलिस जो है प्रेस रिलीज जारी की है, तो उसमें ये कहा गया है कि 4 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सोमवार की रात जिस दिन घटना हुई, 4 लड़के आवास के अंदर घुसे थे, वो बाहर आ गए थे, और पूछताछ में उन लोगों का कहना है कि उसमें से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार लिए थे आपके पिताजी से, जिसमें एक ने अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी, तो ये लोग बाइक छुड़ाने के लिए बातचीत करने गए थे, और 2 लोग उसमें से आपके पिताजी को धमकी भी 2 दिन पहले दिए थे कि सबक सिखा देंगे, तो क्या उन लोगों ने हत्या की? ये सब के बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि पिताजी लोकल लेवल पे क्या करते थे नहीं करते थे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं रहते थे। रहा कि ब्याज व्याज पे पैसा नहीं है, किसी को ज़रूरतमंद को कुछ पैसा चाहिए रहता था तो उनके साथ बैठ के उनका सेवा उवा करके कुछ पैसा उधार बोल के ले लेते थे, इतना मुझे जानकारी है कि 2-4 रोज 10 रोज में 1 महीने में हम आपको लौटाएंगे। गांव समाज में अक्सर इसी तरीके से होता है, किसी को मजबूरी पड़ता है, मुसीबत पड़ता है, तो किसी लोगों से मदद मांगते हैं, और मदद वो देने के बाद उम्मीद करते जिस रोज वो वादा करे उस रोज वो पूरा करे। तो यही जानते हैं कि मतलब लोगों को मदद करते थे और लोग उनको मदद करते तो उनके बदले में उनके साथ रहते थे, सपोर्ट में रहते थे, खाते पीते रहते थे, और कभी अगर कोई पैसा टाइम पे नहीं दिया तो उसी से बात उठ होकर टाइम पे पैसा अपने मांगते थे, इतना मुझे जानकारी है। उस पर भी डिटेल हमको उतना नहीं जानकारी है। पिताजी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे, हम तो अब देख रहे हैं कि बॉम्बे में ऐशोराम जिंदगी को छोड़कर, बड़ा बिजनेस को छोड़कर समाज सेवा में लग गए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। 15 जुलाई और 10 जुलाई 2 दिनों का सीसीटीवी वीडियो जीतन सैनी के घर के पास मौजूद एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। दुकान के मालिक का कहना है कि यहां अक्सर नशे में धुत लड़के आकर धमकी देते हैं। दुकान के मालिक बलराम सैनी ने कहा है कि 10 जुलाई को उन्हीं लड़कों में से कुछ लड़के जीतन सैनी के घर में घुसे थे। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सैनी की अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या की है। सोमवार की रात को अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उस वक्त जीतन सहनी घर में सो रहे थे, यही वो घर है। और आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है, 4 संदिग्धों को पुलिस की टीम उठाई है और पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हुई है। सोमवार की रात सीसीटीवी में दिखा है कि 4 लोग घर के अंदर गए थे और वो लोग फिर बाद में बाहर आ गए। उन्हीं 4ों को पुलिस की टीम जो है हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि जो 4 लोग अंदर गए थे उसमें से 2 लोगों ने ब्याज पर पैसे उधार जीतन सहनी से लिए थे, और उसमें से 1 संदिग्ध ने अपनी एक मोटर बाइक यहां पर लोन के सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी। पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने कहा है कि उस दिन रात में हम लोग बाइक छुड़ाने के लिए बातचीत करने गए थे। वहीं पूछताछ में ये भी सामने आया है कि 4 में से 2 लोगों ने 2 दिन पहले उनके पिता को धमकी भी दी थी कि आपको सबक सिखा देंगे। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, घर के ठीक बगल में ये जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं इसी में तस्वीरें कैद हुई हैं 10 तारीख वाली। जो 15 तारीख वाली तस्वीरें हैं वो भी इस कैमरे में कैद हुई, जिसमें दिख रहा है कि 4 लोग घर के अंदर गए हैं, पुलिस उसको अपने पास रखी हुई है। जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज तो ले गई है पुलिस की टीम आपके यहाँ से? मेरे यहाँ जितना भी फुटेज थी DVR हार्ड डिस्क सब साथ ले गई है। 10 का भी वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग दिख रहे हैं कि बाहर खड़े थे और अंदर गए, फिर बाहर भी आ गए थे हाथ में डंडा वगैरह। 10 तारीख का वीडियो हम लोग बना लिए थे इसीलिए कि हल्ला गुल्ला कर रहा था, गाली गलौज दे रहा था, तलवार फुरसा भाँज रहा था, सबके हाथ में लाठी डंडा है, तो हम लोग निकले नहीं, निकलते तो मारता इसीलिए। और जब से हम CCTV कैमरा लगाया तब से जब कम से कम 50 लड़का मुसलमान है बोलता है इसको तोड़ देना है, मारना है, जाते हैं रास्ता फिरा तो यही बोलता है, तो हम लोग नहीं जवाब देते हैं, अपना चलते रहते हैं। क्या लग रहा, कैसे हत्या हो गई पिता की? इनका वो तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो कैमरा लगाए हुए अपना सुरक्षित द्वारा कि हम अपना घर आते हैं जाते हैं कितने बजे, यही इसके लिए। आपको भी डर लग रहा है यहाँ पर? इसीलिए लगाए, जीना हराम की हुआ है सब। तो ये हम आपको उस दुकानदार को सुना रहे थे जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश हो रही है। वो कह रही है कि कह रहा है कि नशे में लड़के आते हैं घूमते रहते हैं। बिहार में ये बहुत आम बात हो गई है, अलग अलग तरह के नशे लड़के करके घूम रहे हैं। चलिए, अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या किसने और क्यों की। इसी बीच बिहार के छपरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है।
प्रेम प्रसंग में एक युवक ने अपनी प्रेमिका, बहन और उसके पिता की हत्या कर दी और मां को गंभीर रूप से जख्मी कर गया। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि यहां पर प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, बिहार का जिला है छपरा, वहां पर ट्रिपल मर्डर हुआ। किसको किसको मारा? प्रेमिका को, बहन को और उसके पिता की हत्या कर दी। उसकी जो मां थी उसको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया इस सरफरे आशिक ने। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। तो छपरा का यह मामला है जहां तीन हत्याएं हुई, ट्रिपल मर्डर हुआ, प्रेम प्रसंग का मामला था। युवक आरोपी जो युवक है उसने प्रेमिका, बहन और उसके पिता की हत्या कर दी, मां को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से ही एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों का मर्डर चाकू से किया गया। पुलिस के मुताबिक दंपत्ति की हत्या जमीन विवाद में हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि दंपत्ति का जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था और उसी में झगड़ा हुआ और उसके बाद चाकू से गोदकर पति पत्नी की हत्या कर दी गई। कौन सा प्रेशर सोल्जी रिक्की साहब मिठनपुरा के द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पर एक टीम का गठन करते हुए थानाध्यक्ष के साथ राहुल कुमार और अन्य लोग पहुंचे और मौके पर पवन शाह को गिरफ्तार किया गया है। पवन शाह के पास से चाकू बरामद करने का प्रयास किया गया लेकिन भाग दौड़ में लगता है चाकू को फेंक दिया है। लेकिन जल्द ही वो चाकू भी बरामद कर लिया जाएगा और पवन शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें पवन शाह ही चाकू चलाए थे, उनकी संलिप्तता इसमें अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। ये घटना लगभग 4:30 से 5 बजे का। तो मोतिहारी जिले में आता है चकिया, वहीं के SDPO हैं, उनका बयान हम आपको सुनवा रहे थे। अब चलिए एक और बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निजी दुश्मनी में हो रहे अपराध को सरकार नहीं रोक सकती। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रुका है। वो बयान आपको सुनाते हैं। बिहार में लगातार पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा है। मेरे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री और JDU के नेता अशोक चौधरी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जीतन सहनी का मर्डर हो जाता है, VIP हैं, मतलब VIP पार्टी के प्रमुख के पिताजी हैं, यानी कि जाने पहचाने चेहरे, और उनका मर्डर हो जाता है। उस बीती रात की घटना है कि छपरा में एक पिता और दो बेटी का मर्डर हो गया। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि इंसिडेंट तो हर जगह होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम 100% क्राइम को ख़त्म कर दिए हैं, हमने कभी क्लेम नहीं किया है। हमारी पार्टी ने और हम लोगों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हमने क्राइम को 100% ख़त्म कर दिया। बट हम ये क्लेम करते हैं कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो एक ऑर्गेनाइज गुट होता है, ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, रंगदारी होती है, एक होता है ना, पहले बिहार में एक ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप चलता था डिफरेंट इलाकों में, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया है। नक्सलिज्म को हम लोगों ने ख़त्म किया है। घटनाएं हो सकती है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आवेश में आके कोई घटना हम कर देते, तो उस तरह की घटनाओं को रोकने में बहुत प्लान नहीं हम कर पा सकते हैं। तो ये जितनी भी हुए हैं वो सब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं, जो घटनाएं घटी हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरह से पुलिस प्रयास कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द सब घटना का का पर्दाफाश हो जाएगा। मुकेश जी के पिताजी के केस में भी पता चल रहा है कि वो एक पर्सनल इम्यूनिटी से ये घटना घटी है, अभी तक जो जानकारी मिल रही। अब पता नहीं, पुलिस इसका पूरा उद्भेदन करेगी। और हम समझते हैं कि ये जो छपरा वाला है वो भी पर्सनल इम्यूनिटी का केस है। इट इज़ नॉट दैट कि इट इज़ ऑर्गेनाइज, किसी ने कोई घटना किया हो या रंगदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रैंसम के लिए कुछ हुआ हो, हमको नहीं लगता है कि इस तरह की कोई घटना। ये सब जो भी 2-3 घटनाएं घटी हैं वो व्यक्तिगत पर्सनल इम्यूनिटी से घटी हैं, और सरकार की इसमें भूमिका है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना का को अंजाम दिया उसको तुरंत गिरफ्तार करे और उनको सख्त से सख्त सजा मिले।
ये अशोक चौधरी को आप सुन रहे थे। अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम में अंतर बता रहे हैं। ये उसी पार्टी के हैं जो इनकी पार्टी सुशासन को मुद्दा बनाकर बिहार में चुनाव जीती और शासन करने आई थी। सुशासन बाबू मुख्यमंत्री बने थे, इनका उपनाम रख दिया गया था। इसीलिए अब सवाल उठने लगे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कुशासन की सरकार है कि क्या ही सरकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बड़ी खबर, आईएएस पूजा खेडकर, जो ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर, उनसे जुड़ी हुई। पुणे में ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के परिवार ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटा लिया है। नगर निगम ने खेडकर परिवार को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। खेडकर परिवार पर बंगले के बाहर फुटपाथ पर अतिक्रमण करने का आरोप था, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस अतिक्रमण के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी। हालांकि प्रशासन के एक्शन से पहले खेडकर परिवार ने खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, क्योंकि पहले से विवादों से घिरे हुए थे ही। पुलिस पूछताछ भी करने आई थी, किसानों वाला मामला अलग चल रहा है। उसी के दौरान अब ये जब नोटिस आया तो देखा कि ये बवाल और ना बढ़े, कहीं किसी और मुसीबत में ना फंस जाए। शायद इसी को देखते हुए उन्होंने खुद से जो अतिक्रमण किया था सरकारी जमीन पर, उसे खुद से हटा लिया है। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फुटपाथ होता है लोगों को चलने के लिए, लेकिन खेडकर परिवार ने इस फुटपाथ के ऊपर अतिक्रमण किया था और इस तरीके से फुटपाथ के ऊपर ही पौधे लगाए थे। लेकिन जब पुणे नगर निगम ने इसके चलते इस खेडकर परिवार को नोटिस दी तो खेडकर परिवार ने खुद ये अतिक्रमण हटाया है। हम देख सकते हैं खेडकर परिवार ने जो मजदूर यहां पर भेजे थे, उन मजदूरों ने ये जो अतिक्रमण था वो तोड़ दिया है और ये पौधे और उनके नीचे की जो मिट्टी है वो खुलकर सामने आई है। पुणे के बाणेर रोड पर खेडकर परिवार का ये ओमदीप नाम का बंगला है और इस ओमदीप नाम के बंगले के बाहर जो फुटपाथ है, जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर खेडकर परिवार ने उसके अंदर ये पौधे लगाए थे, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ से चलना मुश्किल हो गया था। जिनको चलकर जाना है वो इस फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद पुणे नगर निगम ने ये नोटिस भेजी थी। जब खेडकर परिवार के बहुत सारे मामले सामने आए तो पुणे नगर निगम को इसका संज्ञान लेना पड़ा। एक तरफ ये अतिक्रमण यहाँ पर तोड़ा गया है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खेडकर परिवार का यह जो बंगला है उस बंगले को ताला लगाया हुआ है, क्योंकि पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर और उनकी माँ मनोरमा खेडकर उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद गायब हो गए हैं। पुणे पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, ऐसा पुणे पुलिस का कहना है। और दूसरी तरफ यही खेडकर परिवार मजदूरों को सूचना कर ये जो अतिक्रमण यहाँ पर था वो हटा रहा है। इस वजह से सवाल यही पैदा होता है कि वाकई में जो खेडकर परिवार है वो पुणे पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा है। कैमरामैन विजय राउत के साथ मंदार गोंजारी, एबीपी न्यूज पुणे। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक अच्छी खबर आपको बताता हूँ। पहले चोरी फिर माफीनामे के साथ सामान लौटाया, ये वाक्या महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चोरी के बाद जब चोर को यह पता चला कि उसने लेखक के घर में चोरी की है तो माफीनामा लिखने के साथ ही उसने सामान भी लौटा दिया। रायगढ़ के नेरल में मराठी के प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे के घर चोरी हो गई। नारायण सुर्वे का निधन 2010 में हो चुका है। उनके घर में बेटी और दामाद रहते हैं। जब वो अपने बेटे के पास विरार गए थे तो चोर ने मौके का फायदा उठाकर घर में चोरी की। बाद में जब चोर को पता चला कि उसने कवि नारायण सुर्वे के घर में चोरी की है तो उसने चोरी का सामान लौटाया और दीवार पर माफीनामा भी लिखा। चोरी ने जो चोर था उसने महान साहित्यकार के घर चोरी करने के लिए यह माफी भी मांगी। तो साहित्यकारों ने यही तो कमाया है कि भले उनको पैसे मिले ना मिले लेकिन इज्जत जरूर मिलती है। चोर ने पहले चोरी की, उसके बाद माफीनामा लिखा, सामान भी लौटा दिया।